الصالحات أولئك هم خير البرية آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي گنج بخشے فرنج عالم مظہر نور خدا ناگ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله السلام امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ جنہاں سانو خالق دا قرب عطا فرمایا قرآن کریم فرقان حمید جیسی پاک کلام دی سعادت تو مجسر فرمایا سامن حضرات آپ حباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھن دا جو شرف حاصل کیتا ہے اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان والے اہل صالحین لوکاں دی عظمت تے شان بیان فرمائی خالق کائنات نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ بے شک جڑے ایمان لیائے اور اچھے کام کیتے وہی تمام مخلوق وچ بہتر نے یہ آیت مبارکہ دا ترجمہ اور آپ حباب دے سامنے یہ آیت مبارکہ دا ترجمہ بھی اور آیت مبارکہ برکت واسطے تساں سماعت فرمائیے کیونکہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے اور 21 تاریخ نو رمضان المبارک دے مہینے دی منبع فیض عطا مرکز مہر وفا مرکز تجلہ انوار سرتاج بطول امام الثقلین امیر المومنین تاجدار ہل عطا
हजरत शेर खुदा अली अल मुर्तजा रसी अल्लाह ताला अनहो दी शहादत दा वाकिया पेश आया है। लिहाजा आज शेर खुदा दी जिंदगी दे हालात मुख्तसर और आपकी शहादत बयान की जाएगी। सामने हजरात कौन अली जिन्हें असी कर्रा मुल्ला है बाजुल करीम आने सबक सहाबा इकराम दे वास्ते रजी अल्लाह ताला अन्हो और एक ये अजीम हस्ती है जिन्हें वास्ते एक लफज इस्तेमाल होता है वो है कर्रा मुल्ला है बाजुल करीम। अली मुश्किल कुशा है कौन अली अली इमामुल अवलिया है अली ला फतहा अली दर्दां दी दुआए अली खैबर शिकन है अली शाह जमन है अली काबे का गहर है अली बतौल का शोहर है अली खुदा का खाना साथ अली नबी करीम का दामाद है अली गैरत इलाही की शमशीर है अली इसरार इमामत की ताबीर है अली मामार नबुवत की तामीर है अली नूरुन आला नूर की तनवीर है अली निजाम मुस्तफा की हो बहु तस्वीर है। कौन है अली जेड़ा पैदा तो काबे विच होया है ते शहादत दा दर्जा जो मकाम है वो मस्जिद विच है। अली मेरे विचों में मैं अली विचों वां ते हार मोमन जिन्ने भी ने अली विचों ने गौर करो कितना बड़ा मकाम मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम ने मौला अली शेरे खुदा रसी अल्लाह ताला अन्हु अता फरमाया है। आओ जरा मौला अली की विलादत वाल जरा थोड़ा जहा गौर किया जाए। मैं दसिया कि काबे के अंदर आपकी विलादत बासादत है हजरत फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम दी चाची भी हजरत अबू तालब रजी अल्लाह ताला ना उन्हां दी जौजा मोहतरमा उन्हां दी जौजा मोहतरमा जरा गौर करो कैसा समा होवेगा कैसा वक्त होवेगा जदों मेरा नबी अबू तालब की कफालत विच क्योंकि अब्दुल्ला तो मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम की आमद तो पहला ही पर्दा फरमा गए हजरत आमिना सैयदा आमिना रसी अल्लाह ताला अन्हा दा विसाल 5-6 साल की उम्र शरीफ सी सरकार दी जो पर्दा फरमा गई हजरत अब्दुल मुतलब रसी अल्लाह ताला अनहो जो हजूर दे दादा जान ने 8 साल की उम्र शरीफ हुई है ते आप भी पर्दा फरमा गए और फिर आप दी कफालत अबू तालब ने ली है। अबू तालब की कफालत अंदर परवान चढ़े ने तो फिर फातिमा बिनते असद रसी अल्लाह ताला या नहा मां बन के सोने महबूब नू पालिया भी ये खिदमत भी कीती है ता ही तो मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम ए फातिमा बिनते असद नू मां दा दर्जा देंदे सन। बहरहाल हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह ताला ना फरमा दिया ने मौला अली मेरे अतहर च मेरे कोल अल्लाह की अमानत ने और आप बचपन मां दे शिकम विच भी वालदान भी बहुत अगे नहीं झुकन दिता
फातमा बिनती असद आ फरमा दिया ने मैनू भी अपने बदन चो जो मौला अली मौजूद ने ना ते खुशबू आउंदी है मैनू महसूस होंदा है बच्चा आम नहीं ये भी मुत्तकी है। फातमा बिनते असद रसी अल्लाह ताला अनहा फरमा दिया ने जो मेरे पुत्र की विलादत का वक्त करीब आया ना तो मैं तवाफे काबा पी करती सब मामूल के मुताबिक फातमा बिनते असद आ फरमा दिया ने मैं काबे का तवाफ कर रही हाँ ते दर्द दी अज़ा जेड़ी बच्चियां दी विलादत दे वक्त खवातीन नू दर्द शुरू होंदी है ना मौला अली दी मां फरमा दिया ने मैनू दर्द शुरू हो गई ते ख्याल आया के मरियम बैतुल मुकद्दस दी पकीजा हस्ती नबी दी मां भी है ते बैतुल मुकद्दस दे विच जवान होईयां ने और कफालत जखरिया आ फरमादियां ने मैनू ख्याल आया कि ईसा अलैहि सलाम की मां मरियम जो ईसा की विलादत का वक्त आया ते रब ने फरमाया मरियम बैतुल मुकद्दस पाकीजा जगह है पाक है तुहानू ये जगह छोड़ के दूर जाना पवेगा बैतुल मुकद्दस तो दूर जाना पवेगा। फातमा बिनती असद फरमा दिया ने मेनू ख्याल आया एक नबी दी मां नू आर्डर होंदा है कि बैतुल मुकद्दस तो दूर जाना पवेगा मैं ते काम हां एक नबी दी मां नू आर्डर हो रहा है। फातमा बिनती असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमानिया ने जिदो अली दी विलादत दा वेला करीब आया है मौला अली दी विलादत दा वेला करीब आया मैं खाने काबे दा तवा पई करनिया चक्कर ला रही हां ते दर्द अज़ा शुरू होइए ख्याल आया है जे मरियम नो बैत मुकद्दस तो बाहर जाना पै गया वक्त तो उन्हां नू दूर जाना पै गया मैं ते आमा एक आम बच्चे नो जन्म देना है। फातमा बिनते असर फरमा दिया ने मैं जदो इरादा कीता है काबे तो बाहर जाने दा प्रोग्राम कीता है मैं बाहर जावा तो रोवा तवाफ नो छोड़ा ते काबे विच आवाज आई है फातमा काबे तो बाहर नहीं जाना दीवार शक हो गई है दीवार खुल गई है आवाज आई फातमा काबे दे अंदर आ जावो आन वाला मामूली नहीं आन वाला आम नहीं आन वाला इमामुल मुत्तकीन आ रहा वे आन वाला मामूली नहीं बलिया दा इमाम आ रहा है। फातमा बिरते असर फरमा दिया ने मैं काबे दी दीवार शक होई अंदर दाखल होइया काबे दे अंदर मौला अली दी विलादत होई मौला अली दी विलादत होई है। फातमा बिनते असद फरमा दिया ने जनाबे वाला अली दी विलादत होई है पर अली ने अखा खोलिया कोई नहीं मैं सोचिया कि अली रब ने मेनो पुत्र दिता है पर अखा तो महरूम है अखा नबीना पैदा होया। फातमा बिनते असद फरमा दिया ने मैं काबे विचों लैके सो महबूब ने प्यारे चाचा जाद भाई नो अली उल मुर्तदा नु लैके जदो निकलिया ते जनाबे वाला अबू तालिब फरमा देने फातमा रब ने फरमाया रब ने पुत्र दिता है
रब ने पुत्र दिता है। अबू तालब एक दूजे नो मिया बीवी मुबारकबाद। अबू तालब फरमा देने पुत्र वाल वेख्या है। फातिमा बिनते असद फरमा दिया ने अबू तालब रब ने पुत्र दिता है पर पुत्र ने अखा नहीं खोलिया, लगता है अखा तो मारो में। फातिमा बिनते असद फरमा दिया ने मैं सोने अपने पुत्र नो लैके काबे दे विचों बाहर निकली। अगे गली दा एक मोड़ कटिया, सामने सरकार आ रहे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने तशरीफ लिया रहे ने। कमली वाले बाबो बाए ने फरमाया चाची उम्मल, ए चाची फातिमा बिनते असद, ए चाची फातिमा की ये गोद अंदर। फरमाया तेरा चाचा आजाद परा पैदा होया। फरमाया फातिमा बिनते असद फरमा दिया ने वे अली पैदा होए ने, तेरा चाचा आजाद परा पैदा होया। पर मैनू लगता है अखा तो मारो में। मेरे इमाम लंबिया ने फरमाया चाची लिया जरा अली नो मेरी गोद विच देवो। मेरे नबी पाक ने मौला अली नो अपनी गोद विच ले आए। जदों कपड़ा चेहरे तो हटाया ते मौला अली ने रुखे मुस्तफा दी ज़ियारत कीती है। मौला अली ने रुखे मुस्तफा दी ज़ियारत कीती। मेरे इमाम उल्लंबिया ने वेख के मुस्करा के फरमाया चाची फातिमा बिनते असद अपनी अखा दे अथरो साफ कर लवो। पुत्र नबी ना नहीं रब कोलो अखा लेके आया, पुत्र नबीना पैदा नहीं होया रब कोलो अखा लेके आया। फातिमा बिनते असद फरमा दिया ने तुसी मैनू तसली दे रहे हो। फरमाया नहीं मैं तसली नहीं दे रहा, मौला अली वेख रहे ने। मौला अली नो जनाबे वाला मेरे नबी ने गोद विच लिया है। फातिमा बिनते असद भी वेदिया ने अली ने अखा खोलिया होया ने। मेरे नबी ने जनाबे वाला अली नो गुड़ती भी दिती है, अली नो गुड़ती दिती है मेरे नबी दे लुआबे दैन मौला अली दे मुंह विच रखी है। जरा गौर करिया जे मौला अली दे मुंह विच रखी पहली गुड़ती नबी ने अली नो दिती। मेरे नबी ने अली नो गुसल भी दिता है। मेरे नबी ने अली नू अली उल मुर्तजा शेरे खुदा रज़ी अल्लाह ताला नू गुड़ती दिती ते नाल मेरे नबी ने गुसल भी दिता ते अखां विचों आंसू ते नाल फरमाए अली अज पहला गुसल दे रहा वा, कल आखरी गुसल तू मैनू देना है। मेरे नबी ने गुड़ती दिती है ते नाले जनाबे वाला फातिमा बिनते असद मुबारकबाद। अबू तालब नू मुबारकबाद। मुसलमानो मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम ने गुड़ती लुआबे दैन या खजूर दी गुड़ती दिती मेरे नबी दी लुआबे दैन वाल जरा गौर ते कर। मेरे नबी दी लुआबे दैन बरकत वाली है। ए ओ लुआबे दैन ओ जबान मुबारक है जेडी जबान ते कतरा अर्श अजीम तो मेरा दी राती डिगी है। मेरे नबी फरमा देने पूरी कैनात दा मैनू इलम हो गया। जरा गौर ते कर जिदो अली दी जबान ते मेरे नबी ने अपने लुआबे देन दा कतरा रखिया है फिर अली कोल किन्ना इलम होवेगा। जरा गौर करो मुसलमानो मौला अली शेरे खुदा रसी अल्लाह ताला नो मौला अली दा जिक्र पाक सुनन वाले हो। मौला अली दा मकाम कट नहीं जिदे वास्ते मेरे नबी ने फरमाया इस देख लवो। ए ओ मौला अली है जिदे वास्ते फरमाया आना मदीना तुलील में वाली उम बाबुआ। फरमाया मैं इलम दा शहरा
अली ओदा दरवाजा है। मैं इलम दा शहर हूं, अली ओदा दरवाजा है। मेरे नबी ने फरमाया अली ओदा दरवाजा है। मैं इलम दा शहर हां ते दरवाजे दे इलम वाले जरा गौर ते कर, इलम दा दरवाजा किन्ना है ते दरवाजे कोल किन्ना कु इलम है, एदे वाल ते जरा गौर ते कर ते सही। मेरे नबी ने अली नो बड़ा इलम अता फरमाया है, फरमाया तू बाबे मदीना तुल इलम है, फरमाया तू इलम दे शहर दा दरवाजा है। एक हदीस मुबारक है भी आना दारुल हिकमत वाली ओ बाबू आओ, फरमाया मैं हिकमत दा शहर अली ओदा दरवाजा है। मैं हिकमत दा शहर अली ओदा दरवाजा है। मेरे इमामुल अंबिया दे इल्मे पाक वाल वेख, हजार बाप दिते जान हर बाप दे अंदर अगे हर बाप विच मौला अली फरमांदे ने, जेड़ा इलम रब ने मेरे नबी नू दिता है उस इलम विच हजार बाप ने, हर हजार दरवाजे ने, हर दरवाजे विचो एक दरवाजा हजार दा रब ने नबी दे सदके मैनू भी अता फरमाया है। अजीजाने गिरामी मौला अली फरमांदे ने, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ली मेरे इलम दे सारे भेद तेरे कोल ने, मेरे इलम दे भेद सारे तेरे कोल ने। इलम किन्ना है मौला अली शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला ने कोल जरा गौर करिया जे, मौला अली फरमांदे ने आ जड़ी बिस्मिल्लाह दी बाद आ जड़ा नुक्ता है ना, सारे कुरान करीम दा नचोड़ सूरत फातिहा दे अंदर मौजूद है। सूरत फातिहा दा सारा इलम सारा नचोड़ बिस्मिल्लाह शरीफ दी अंदर मौजूद, बिस्मिल्लाह शरीफ दी अंदर, और बिस्मिल्लाह शरीफ दा सारा इलम दा नचोड़ बिस्मिल्लाह दे बाद दे नुक्ते दे विच। जरा गौर ते करो मौला अली शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला नो सूरत फातिहा दी तफसीर दे बाद दे नुक्ते दे तफसीर कर रहे ने, बिस्मिल्लाह शरीफ दे बाद दे नुक्ते दे उते सारी रात गुजर गई है। तफसीर बिस्मिल्लाह दी शुरू हुई है, सूरत फातिहा अजे तफसीर शुरू हुई है, ते सूरत फातिहा दी तफसीर सारी रात गुजर गई है। मौला अली फरमांदे ने रात मुक गई है पर समुंदर दे कतरियां विचों एक कतरा है अजे बयान होया है। मौला अली फरमांदे ने मैं सूरत फातिहा दी तफसीर लिखनी शुरू कर देवा ना, लिखनी शुरू कर देवा ते 70 ऊंठा उते किताबा लदियां जान ते फिर भी सूरत तफसीर फातिहा दी तफसीर मुकम्मल नहीं होती। 70 ऊंठा उते किताबा लदियां जा। मौला अली शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला नो आ फरमांदे ने, अल्लाह ने मेनू नबी पाक दे सदके जेड़ा दरवाजा नबी ने फरमाया या ना मदीना तुल इल्मे वाली उम बाबुआ, मैं इलम दा शहर हां अली ओदा दरवाजा है। किसे ने आख्या मौला अली तेरे कोल बड़ा इलम है, तेनू नबी पाक ने इलम दा शहर आखिया है, तेनू इलम दा शहर आखिया है। मौला अली शेरे खुदा रसी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने बिल्कुल मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम दा फरमान है, मैं इलम दा शहर हूँ, मैं इलम दा शहर हूँ। एक यहूदी जनाबे वाला आपकी बारगाह दे अंदर आके सवाल कर दे, आके आंदे मौला अली मैनू ते दस कुरान करीम दे अंदर तेरी दाड़ी दा जिक्र ते मेरी दाड़ी दा जिक्र है वे। सुभान अल्लाह क्या छड़िया करो। अली फरमांदे ने की पूछना पिया, कह लगा मैनू दस यहूदी है गैर मुसलम है, दाड़ी बिरली बिरली है,
कह लगा तेरी गनी दाड़ी भरिया चेहरा है मौला अली शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला नो दा भरिया जिहा चेहरा है दाड़ी दे नाल मुसलमानो जेड़े आंदे ने कि दाड़ी तो बगैर ही मौलवी चल जांदे ने जरा गौर ते करो पता लग्या मौला अली दी दाड़ी है वे अली उल मुर्तदा शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला दी बारगाह दे अंदर यहूदी आंदा है मेरी दाड़ी दा जिक्र ते तुहाडी दाड़ी दा जिक्र पाक कुराने करीम दे अंदर है वे आपने फरमाया हां कुराने करीम दे अंदर तेरी ते मेरी दाड़ी दा जिक्र पाक मौजूद है अल्लाह दा कुरान पढ़ो खालके कायनात दी बार खालके कायनात दी बारगाह दे चर्च करने मौला जरा कोई इलम दे जेड़ा मौला अली ने उस यहूदी नु जनाबे वाला जिक्र करके तेरे पाक कलाम दी आ सुनाइए मौला अली फरमांदे ने सुन नबा तो बिज़नी रब्बी वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा फरमाया तेरी दाड़ी दा ते मेरी दाड़ी दा जिक्र पाक इस कुरान ने करीम दी आयत अंदर फरमाया सुन ले जेड़ी जमीन हरियाली होवेगी जेड़ी जमीन हरियाली होवेगी उथे फसल ज्यादा होवेगी जेड़ी जमीन बंजर होवेगी उथे आबादी ते घट खर्चा ते घट फसल होवेगी जेड़ी जमीन पैदावार वाली होवेगी उथे फसल भी ज्यादा होवेगी जेड़ी जमीन बंजर होवेगी उथे फसल भी घट होवेगी तेरी बंजर जमीन है साडी हरियाली जमीन है मौला अली शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला नो दा जरा इल्मे पाक वाल गौर ते कर मौला अली शेरे खुदा दी बारगाह दी अंदर जनाबे वाला दो औरतां मुकदमा लेके हाजरे खिदमत हो गई ने अली दे इल्म वाल वेख जिन्हां नू बाबे मदीना तुल इल्म आखी दे ओ इल्म दे दरवाजे कोल इन्ना इल्म है ते नबी पाक कोल किन्ना इल्म होवेगा दरवाजे कोल इन्ना इल्म है ते शहर कोल किन्ना इलम होवेगा जरा गौर ते कर जनाबे वाला मौला अली शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला नो जनाबे वाला आप दी बारगाह दी अंदर औरतां मुकदमा लेके आदरे खिदमत हो गई ने इको खामन दियां दोवे बीवियां ने शादी भी उन्हां दी को देनी हुई है कट्ठी शादी हुई ते कट्ठी हुई कोई दिन जनाबे वाला उन्हां बच्चियां नू जन्म दिता एक वल धी हुई है एक वल तर होया है रात आलम सी ते झगड़ा पैदा हो गया वो आख लगी मैं पुत्र नु जन्म दिता है दूजी आंदी है मैं पुत्र नु जन्म दिता है झगड़ा मौला अली दी बारगाह विच हाजर होया है अर्ज कर देने अली उल मुर्तदा शेरे खुदा फैसला फरमा दियो ए आंदी है पुत्र मेरा है ते दूजी आंदी है पुत्र मैं जन्म दिता है अली तुसी फैसला फरमा दियो पुत्र है मौला अली फरमांदे ने इन्हां नूं बर्तन देवो ते जाओ जाके इन्हां नूं कहो अपना दुध चोके लैके आउण जनाबे वाला दुआ दा दुध लियांदा गया दुआ दा वजन कीता गया जिदा दुध दा वजन ज्यादा हो गया आपने फरमाया ए तेरा पुत्र है फरमाया ए तेरा पुत्र है ते मौला अली दी बारगाह विच अर्ज कीती हजूर सानू समझ नहीं लगी तुसा किवें इस हक दे फैसला फरमा दिता है मौला अली शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने मैं फैसला इस कुराने करीम दी आयत मुबारका तो दिता है फरमाया सुनो खालके कायनात ने फरमाया लिज्जा गारी मिसलु हज़िन उनसा यही नहीं फरमाया मर्द दो हिस्से ने औरत दा एक हिस्सा है औरत दा एक हिस्सा है ते मर्द दे दो हिस्से ने इस वास्ते रब ने मर्द नू रिजक भी दूना दिता है इस वास्ते मैं रब दे कुरान विचों ही फैसला कीता है मुसलमानो जरा गौर करो मौला अली शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला नू बारगाह रिसालत विच बैठे होए ने
बस मैं दरवाजे दे इलम दी अजे गल पिया करना मेरे नबी दा ते इलम वराबुल वराए ये ते मेरे नबी दी बारगाह विच बैठ के इलम लैण वाले ने इलम हासिल करन वाले ने जिदे नौकरां कोलो इन्ना इलम है जिहड़ा मिंबर ते बैठ के आंदा है पुछ लो मां तू नल अर्श मैं ते अर्श दियां गल्लां वी जानना जो कियामत तक आउण वाले मेरे कोलो पुछ लो मैं दस देवांगा नौकर बैठे थे नबी दे इलम ते इतराज होंदे कि नबी पाकुल कोई कल दा इलम नहीं ये ते नबी दा नौकर है जिहड़ा मिंबर ते बह के आंदे मेरे कोल पुछ लवो मैं कल दियां वी खबरां देआंगा कियामत तक होण वाले सारे वाकिया दा जिक्र फरमाया मैं दसांगा मैं बाबे मदीना तुल इलमे इलम दा शहर है मौला अली शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने देहाती लड़दे होए सरकार दी बारगाह विच आ गए ने सरकार दी बारगाह विच आ के उन्हें लड़ना शुरू कर दिता है देहाती मामला दे अंदर सन मेरे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च वो एक अर्ज करदे है जोर मेरे गधे नो यदि गाने मारिया है दोवे दियाती लड़दे होए एक दी गाए एक दा गदा है ते गदे वाले आंदा सुनया ए दी गाने मेरे गदे नू मारिया मर गया है मैं तुहाडी बारगाह विच आ गया वा सुने दी गाने मेरे गदे नू मार दिता है कोल एक सियापी सन दिल विच सोच देने पे ओए ते जानवरां दा फेल है ए केड़ा कोई फैसला है उन्हां दे फेल नू केड़ा कोई रोक सकदा है उन्हें ज़हन विच सोचिया मेरे नबी पाक ने फरमाया अली जी आका हुक्म होवे फरमाया अली इन्हां दोवां दा फैसला ते कर मौला अली फरमांदे ने दसो गदे वालिया तेरा गदा कित्थे सी कह लगा जी मेरा गदा सी वेड़ी च बजा सी किले उत्ते बजा होया सी फरमाया ओ गां वालिया तू दस तेरी गां खुली होई सी कह लगा बिलकुल मेरी गां खुली होई सी फरमांदे ने ओ गां वालिया मैनूं इह वी दस जदों तेरी गां खुली सी तू उस वेले मौके ते मौजूद से कह लगा जी बिलकुल मैं मौके ते मौजूद सा आपने फरमाया ओदा गदा किले ते बजया होया तेरी गां आजाद है ते गां ने जनाबे वाला गदे नू मारिया ते तू मौके ते मौजूद से इस वास्ते तेने जुम्मे खर्चा पै गया खर्चा पै गया मुसलमानों मौला अली शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला दे इलम वाल जरा थोड़ा जिहा गौर करो इन्नी कु मुहब्बत दे नाले इन्ने कु फैसले सुनावा एक वक्त दे अंदर तो सारे बयान नहीं कीते जा सकते मौला अली शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला दी मुहब्बत नूं जरा तकाजे दे नाल वेख उमरे फरूक रजी अल्लाह तआला दा दौरे मुबारक है ते एक औरत कोलो जना साबित हो गया मौला अली भी मौजूद ने ते उमरे फरूक रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने दे कोलो गुनाह साबित हो गया शहादतां हो गईयां ने इहनूं जा के संसार कर देवो जदों सजा दा आर्डर सुनाया मौला अली फरमांदे ने जरा रुक जाओ ए औरत हामला है इहनूं ते संसार करन दा आर्डर कर दित्ता है जिहड़ा इहदे पेट विच बच्चा है उहदा की जुर्म है ये औरत हामला है ते जिहड़ा इहदे पेट विच बच्चा है उहदा की जुर्म है उमरे फरूक फरमांदे ने जे कदी अली उल मुर्तजा मेरी रहनुमाई ना फरमांदे ते मैं हो सकदा हलाक हो जांदा इस वास्ते अली दी मौजूदगी अंदर ज्यादा फैसले अली दी मौजूदगी विच उमर करदे रहने कौन आंदे ने अली दी सहाबा दे नाल बननी आई एवें शदाई ते चवला मारदे ने मैं वखाना वा सदीक अकबर नूं वी अली नाल प्यारे सदीक अकबर नूं वी अली उल मुर्तजा दे नाल प्यारे अली उल मुर्तजा दे नाल प्यारे जरा तवज्जो करिया जे इन्नी मुहब्बत दे नाल प्यार मुहब्बत दे नाल मौला अली शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला नो मस्जिद दे अंदर मौजूद ने ते किसे ने जा के अम्मी आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला नो
जाके दसिया कि तुहाडे अबू जी मसीह ते जांदे ने, जाके वुजू करदे ने ते वुजू करके जाके महजद दे नवाफल नहीं पढ़दे, तहियातुल वुजू दे नवाफल नहीं पढ़दे, वुजू करके जाके अली दे कोल बह के अली नूं तंगदे रहिंदे ने, अली दा चेहरा वेंदे रहिंदे ने। ए जनाबे वाला सदीक अकबर जी लोग घर गए ने, अम्मी आशा सदीका तुहाडी ते मेरी रूहानी मां, ए नबी पाक दी प्यारी सोनी जोजा मोहतरमा, सदीक अकबर दी प्यारी ती, मुसलमानो कदी सदीक अकबर ती वल वेंदे ने ते फरमांदे ने बेटी मैं अपनी निस्बत वल, निस्बत ना तेरे वल वेखा ते तू मेरी ती लगनी है, जदों मैं नबी पाक दी निस्बत नाल वेना वा फिर मोमना दी मां लगनी है, मेरी भी मां लगनी है, मोमना दी मां ते मेरी भी मां लगनी है। फरमाया बेटी की गल अर्ज की थी, अबू जी मैनू पता लगिया तुसी जांदे हो मस्जिद में जाके वुजू करके ते तुसी तहियातुल वुजू दे नफल नहीं पढ़ते, मस्जिद दे नवाफल नहीं पढ़ते, तुसी जाके अली उल मुर्तजा दा चेहरा तक दे रहिंदे हो। मेरे इमाम उल अंबिया दे प्यारे यार, यारे गार, यारे मदार, सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने बेटी गल बिलकुल ठीक है, पर मैं जो मस्जिद में जाना मेरे नबी का फरमान अन्नज़रो अली उन इबादतुन, अली दा चेहरा वेखना भी इबादत है, अली दा चेहरा वेखना इबादत है, मैं अली दा चेहरा वेंदा रहना वा इबादत दा सवाब लभदा रहना वा। जरा गौर करिया जे उस दौर अंदर मौला अली नू वेखण वाले कोई सज्जे बह के वेखे, कोई खब्बे बह के वेखे, कोई अगे बह के वेखे, कोई पिछे बह के वेखे, अज 1450 साल गुजर गए, कोई बंदा आखेगा उदों ते सहाबा वेंदे सन अली नू ते इबादत दा सवाब लभदा सी, हुण ते साढ़े 1400 साल गुजर गए, हुण किवें सानू इबादत दा सवाब लभेगा, अली नू वेखांगे ते इबादत दा सवाब लभेगा। पर मेरे नबी नू पता सी कुछ जमाना ऐसा भी आवेगा जेड़े अली नू नहीं वेखणगे, पर मेरे नबी ने फरमाया सी कुरन इबादतुन अली, उन फरमाया अली दा जिक्र करना भी इबादत होवेगा। मेरे नबी ने तुहानू भी महरूम नहीं रखिया, 1450 साल गुजर गए, उदो अली नू वेखण नाल इबादत दा सवाब लभदा है, अली नू वेखणा है ते इबादत दा सवाब लभणा है। पर मेरे नबी ने फरमाया जिक्र अली उन इबादतुन, फरमाया अली दा जिक्र करना भी इबादत, गवाह मदीने की हर गली है जिधर भी देखो अली, हरे द्रागून क्या को गवाह मदीने की हर गली है जिधर भी देखो अली, अली सारे बोलो अली, अली है मदीने गवाह, मदीने की हर गली है जिधर भी देखो अली, अली अली है। जनाबे वाला सदीक अकबर देख रहे ने इबादत दा सवाब लभदे, अज तुसी अली दा जिक्र करोगे इबादत दा सवाब लभेगा। मेरे इमाम लंबिया दा फरमान मौला अली वेख रहने आंदे, मौला अली ना सदीक अकबर नु मोहब्बत नहीं, मैं ना कुछ हया नु हाथ मारो, सदीक अकबर वेख रहे ने तक दे ने चेहरा मौला अली दा ते इबादत दा सवाब लै रहे ने। अगली हदीस सुनो, मौला अली सदीक अकबर मौला अली दा चेहरा वेख के मुस्कुरांदे ने, सदीक अकबर मौला अली दा चेहरा वेख के मुस्कुराउंदे ने, चेहरा वेख के मुस्कुराउंदे ने, हसदे ने मौला अली पुछदे ने सदीक खैर तो है वेणा, मेरे वल्लों वेख के मुस्कुरा रहे हो। फरमाया अली अज तेरा चेहरा वेख के मैनू नबी दा फरमान याद आ गया है,
नबी पाक दा फरमान याद आ गया है। सरकार ने फरमाया है, नबी पाक दी हदीस मुबारक है, मौला अली दी बारगाह विच सदी सैयदना सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने, अली नबी पाक दा फरमान है वे जिन्नू क्यामत आले दिन अली टिकट देवेगा जन्नत विच ओ ही जावेगा। फरमाया जिन्हों क्यामत वाले दिन प्रोटोकॉल समझ लियो ना, प्रोटोकॉल जिन्हों पास अली देवेगा, जिन्हों प्रूफ अली देवेगा, जिन्हों टिकट अली देवेगा जन्नत विच ओ ही जावेगा। मैनू तेरा चेहरा वेख के नबी दा फरमान याद आ गया। जो जनाबे वाला अली उल मुर्तजा ने जो सुनिया ते आप ही सदीक अकबर दे चेहरे वल वेख के मुस्करा लग पेने, तबस्सुम फरमान लग पेने। सदीक अकबर फरमांदे ने, अली तुसी मेरे वल्लों वेख के क्यों मुस्कराए हो? फरमाया खी सदीक अकबर, ए मेरे पीर भरा सुनते सही, मैनू भी नबी दा फरमान याद है, मैनू भी सोने महबूब का फरमान याद है। फरमाया सुनो प्यारे सदीक अकबर, नाल नबी ने भी फरमाया सी, अली टिकट ओनू देवी जिदे सीने विच सदीक दी मोहब्बत होवेगी, पास ओनू देना है जिदे सीने च सदीक दी मोहब्बत होवेगी, प्रोटोकॉल ओनू देना है जिनू सदीक अकबर नाल प्यार होवेगा, पास जन्नत दा जन्नत विच जान दा ओ तो ही लभना जे जिदे नाल सदीक दी मोहब्बत होवेगी, ते जन्नत दी टिकट ओ तो ही लभनी है जिनू अली नाल हुब होवेगी। इसे वास्ते ऐसी आने गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो, जिधर भी देखो, अरे नहीं बोले, जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो ये सदीक अकबर दी मोहब्बत है। इन पर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौला अली नाल मोहब्बत है। इधर गौर करिया जे किन्नी मोहब्बत है मौला अली दी, बाम दौरे खिलाफत उमरे फारूक दे दो बंदे दयाती लड़ते हो, जनाबे वाला उमरे फारूक दी बारगाह विच आए ने, साडा फैसला फरमा दियो। उमरे फारूक ने फरमाया अली की प्यारे उमर हुक्म होवे, फरमाया दयाती ने ये दयात विचों आए ने इन्हां दा फैसला कर देवो। मौला अली ने जदों फैसला कीता ते इक दयाती विचों कहन लगा, मैं मौला अली दे फैसले नूं नहीं मनदा। उन्हें इनकार कीता ते मौला अली दी गुस्ताखी कीती, हजरत उमरे फरोक नूं जलाल आ गया। जलाल आया ते आपने फरमाया, ओए हया कर, ओ जबान बंद कर अपनी जबान, लगाम विच रख तेनू पता नहीं ए कौन है, मन कुल तू मौला फाली उल मौला। मेरे नबी ने फरमाया जिदा मैं मौला ओदा अली मौला। फरमाया खबरदार, ओए तेनू पता नहीं, नबी ने फरमाया जिदा अली मौला ओदा मैं मौला, अली मोमना दा मौला है, अली मौना दा मौला, मौला वली, वली मौला दा मैना, वली वली दा मैना मददगार। फरमाया चुप कर जा अली मोमना दा मददगार, अली मोमना दा मददगार। किन्नी मोहब्बत है उमरे फरोक नूं, फरमांदे ने ए मोमना दा मददगार। नबी ने फरमाया जिदा
मैं मौला ओदा अली मौला गदीर खम दे मकाम ते जो पहला मेरे नबी ने जनाबे वाला पैगाम दिता है सब तो पहला मुबारक देन वास्ते उमरे फरोक अली कोल गए ने फरमाया अली मुबारक होवे नबी ने मोमना दा मौला आख्या है मोमना दा मौला आखिए तू मेरा भी मौला है तू मेरा भी मददगार कौन आंदा है ना दी बाननी आई है वे चवला मार देने उमरे फरोक जो मुल्के शाम वाल गए ने मुल्के शाम वाल गए ने अली तू मदीने रहना है मेरा नाब खलीफा बन के रहना है अली तू मदीने रहना है मेरे तो बाद मैं मुल्के शाम चलिया वा मेरे तो बाद जेड़े काम बनने ने जेड़े भी काम अंजाम अमूर होने ने तुसा बाद एज करने ने मैं तुहानू अपना नाइब बना चलिया वा मैं अपने तो बाद तुहानू नाइब बना चलिया वा इस वास्ते मदीने दे सारे पिछो काम तुसी करने ने कौन आंदा है उमरे फरूक नू मौला अली नाल मुहब्बत नहीं कौन आंदा है उस्मान गनी नाल मुहब्बत नहीं उस्मान गनी नू भी पानी दा भर के उस्मान वाल लेके गए ने फरमाया जरा ठहर जाओ मैं उस्मान नू आप मिलांगा मैं उस्मान गनी नू आप मिलांगा ठहर जाओ जरा को तुसी जनाबे वाला उस्मान गनी नू मौला अली उल मुर्तजा मिले ने हालात नू पेट्रोल करन वास्ते मौला अली ने अपने पुत्र हसन नू दरवाजे ते खिलार दिता है हुसैन नू दरवाजे ते खिलार दिता है फरमाया पुत्रो जरा को ख्याल रखिया जे कोई बागी अंदर जान दी जरूरत ना करे तुहाडी मौजूद अंदर कोई उस्मान वाल मैलिया करके ना वेखे ओ कौन दुश्मना दे दरवाजे दे पैरे दे दे पता लगिया मोहब्बत वाले ही अपने खैर खामा दी इज्जत कर देने प्यार कर देने मुसलमान ये जनाबे वाला उस्मान गनी नू अली उल मुर्तजा दे नाल मोहब्बत है अजीजाने गिरामी वाकियात बड़े सारे ने ए ते अजे इलम दियां चंद झलकियां पेश कीतियां ने मुसलमानो जे जरूरत बयान करिए ते खैबर सारिया के सामने में गजवा खंदर सारिया के सामने में अली ने अपनी जरूरत बहादरी दे नाल जनाबे वाला जोहर दिखाए ने मुसलमानो सारे मामला सामने ने हिजरत दी रात नबी दे बिस्तरे ते सौना कोई मामूली गल नहीं ओ किसे नू दुश्मना दे हवाले कर जाना ते आखना सौ जा मेरी मंजी दे उते ते दुश्मन तलवारां लैके भी खलोते आन दुश्मन तलवारां लैके खलोते आन ते मेरे नबी फरमा रहे अली तू मेरे बिस्तर ते सौ जा ते आज चप सबज रंग दी चादरी लेके आराम कर ले अली सवेर होएगी ऐ अमान ता दुश्मना दिया नी देनिया नी ते तू भी मदीने शरीफ आ जाना है मौला अली फरमा देने जिदो नबी पाक ने ना फरमाया ते फिर मैं अपना ईमान मजबूत कर लिया फरमाया जिदो जी नबी पाक ने फरमाया मानता दे के तू भी मदीने आना है ते जिदो सरकार ने मदीने शरीफ दा नाम लिया ते फिर मैं आखे इन्हां दी की जरूरत है मेरा वाल भी विंगा करन इन्ना ईमान मजबूत है ये दुश्मन मैनू कतल नहीं कर सकते ओए मेरे ते वार नहीं कर सकते जदों नबी पाक ने जी फरमा दिता है मदीने आना है ते मेरे नबी दा फरमान पर आके मैं मदीने जाना है
मैं मदीने जाना है, फिर सारी रात मौला अली लेटे रहने सुते रहने, मौला अली को पूछो सारी जिंदगी सुकून केड़े बिस्तरे ते आया है, जदो हिजरत दी रात नबी बिस्तरा नाल लेके नहीं गया, आज दे बंदे बिस्तरा चोके दर दर फिर देने ना, नबी बिस्तरा मत मक्के छोड़ के अली नू दे के गया है, मेरा नबी बिस्तरा लेके मदीने गया, बिस्तरा छड़ के गए ने, अली भी बिस्तरा छोड़ के गए ने, पता है जिथे जाने बिस्तरा भी लब जाएगा। अली उल मुर्तजा फरमांदे ने सारी जिंदगी मैं इन्ना सुकून नाल जिन्ना सुकून मैनू सरकार दे बिस्तर दे सौण दा आया है। अजीजाने गिरामी मौला अली शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला नो दी जुरत ते बहादुरी आ फरमांदे ने नदी की जुरत है मेरे कोल भी आ जान। सारी रात गुजर गई मेरे कोल तें चढ़िया ते उन्हां सोचिया नबी अजे तक भी आराम करदा है, साढ़े डर तो उठिया ही कोई नहीं, अगे तहज्जुद दी नमाज पढ़न वास्ते जांदा सी हरम अंदर, अज साढ़े डर तो उठिया बिस्तरे तो भी कोई नहीं, उन्होंने ये सोचिया सी नबी अजे हुणे तक बिस्तर ते पिया होया है, लो लगी ते नबी दे जनाबे वाला नबी समझ के अगे आए ने, चादर हटाई ते मौला अली आराम फरमाने, अली उल मुर्तजा आराम फरमाने, अली दा चेहरा वेख के हैरान रह गए, कह लगे असा ते हुण तक ये महसूस कीता कि नबी बिस्तर ते आराम कर रहे ने, अली नबी किते फरमाया रात जागते तुसी रहे हो मैं ते आराम करदा रहा वा, जागदे तुसी रहे हो ते आराम मैं करदा रहा वा, मैनू कोई पुछदे पए, अली फरमांदे ने सवेर हो गई मैं मान तां दित्तियां, मैं अमानतां दित्तियां ने, अमानतां दे के फिर जनाबे वाला मैं जनाबे तीन दिन तो बाद तीन दिन सरकार दे हिजरत फरमान तो बाद मैं तीन दिन रहा वा, किसी की जरूरत नहीं मेरे कोई करीब आया हो वे, मेरे नबी का फरमान पूरा होने फरमाया जनाबे वाला ए अली तू मेरे पीछे मदीने शरीफ आना है, इन्हों की की जरूरत है मैनू कतल कर दें दे, नबी का फरमान पूरा हो मैं जनाबे वाला मदीने शरीफ अमानता दे के पहुंचिया वा, सरकार ने फरमाया अली तू मेरा भरा है। गिरामी दो बज के टाइम थोड़ा मेरे नबी ने जिथे इनिया बशारतां दित्तियां अली तेरा बाल विंगा नहीं होना, उत्थे मेरे नबी ने यह भी बशारत दी अली तेनू शहीद करनगे, शहादत की खबर भी अली दी मेरे नबी पाक ने दिती है, फरमाया मेरे अली ने शहीद होना है, जिथे पार लगेगी अली जनाबे वाला बेईमान है जिन्हें तेनू शहीद करना है। हदीस मुबारक है फरमाया अली दो बंदे बड़े बदबख ने, एक बद बख्त बनी इसराइल अंदर और एक बद बख्त मेरी उम्मत अंदर होवेगा। अर्ज की आका बनी इसराइल वाला ओ केड़ा एडा बद बख्त मलहून है, मेरे नबी ने फरमाया ओ बड़ा बद बख्त लईन है जिन्हें सा लिया लै इस्लाम ने ऊठनी दे कदम कटे ने, फरमाया अली तेरे एक ओ बद बख्त मेरी उम्मत अंदर होवेगा जो तेनू शहीद करेगा, ये दो मलहून होवनगे मेरे आका लै सलात व सलाम ने मौला अली दी शहादत दी खबर दी। अली फरमांदे ने मेरे नबी दा फरमान पूरा होना है, सरकार दा फरमान पूरा होना है। एक दिन अली बीमार हो गए ने, चारे खुलाफा यानी तीन खुलाफा जड़े ने उस्मान गनी उमरे फरूक दे अली सदीक अकबर दे अली दा पता लैन वास्ते चले गए ने, अली बीमार ने नसाज तबीयत और इस हद तक तबीयत नसाज हो गई, सहाबा ने महसूस किया कि लगता है अली इसे बीमारी दे अंदर फौत हो जाना है, अली ने इसे बीमारी अंदर तुर जाना है। सदीक अकबर नू ख्याल आया है, फरमाया है अली कोई बोल चलिया सानू माफ कर दिया जे, पता नहीं तुसा इसे बीमारी अंदर तुर जाने, आ फरमा देने ना सदीक ना उमर जे मेरे नबी दा फरमान पूरा होना है।
मैनू बीमारी विच मौत नहीं आनी, मेरे नबी दा फरमान पूरा होना है। मेरे नबी ने फरमाया मैनू शहादत दा दर्जा लभना है, इत्थे तलवार मेरी पिशानी नू लगनी है, मेरा खून बहना है, मेरी दाढ़ी रंगीन होनी है, मेरे महबूब दा फरमान पूरा होना है। बहरहाल मौला अली नू भी अपने दुश्मन दा पता है, ओ अब्दुर्रहमान इब्ने मुलज़म तिन्ना बंदियां विचों ये जनाबे वाला तैयारी जी ने तैयारी की थी, तो मैं मौला अली ते वार करना है। दूजिया ने प्रोग्राम बनाया उन्हें दूजिया ते वार करे, वह नाकाम हो गए। ये बेईमान तैयारी करके जनाबे वाला ये आ गया कूफा के अंदर, और जनाबे वाला एक खारजन औरत नू वेखिया, उहदे ते आशक हो गया, कताम नामी औरत है, उहदे ते आशक हो गया। उन्हें आख लगा मैं तेरे नाल शादी करनी है, उन्हें आख्या मेरा हक मैर ते मामला तौर भी काफ़ी ने, उन्हें आख्या जी शरायत हो मैं पूरे कर देवगा। जनाबे वाला अब्दुर्रहमान इब्ने मुलज़म ने उस औरत रिश्ता कायम किया, उन्हें आख्या पहला तो एवे कि 3000 दिरहम मैनू हक मैर देने, तो दूजी शर्त एवे कि जनाबे वाला ए अली उल मुर्तज़ा का कतल है, ये अली नू कतल भी करना ही। जनाबे वाला एक मैनू खात्मा भी चाहिए है, उन्हें सारे शरायत मान ले। कह लगा मैनू ये तो दस तू कताम नामी औरत, मैनू ये तो दस तू अली ना तेनू अदावत करिए, कादी तेनू दुश्मनी है, तू अली दा कतल चाहनी है। उन्हें आख्या नारवान दी जंग अंदर मेरे भैन भरा मौला अली ने कतल किए ने, मैं भी उन अपने भैन भरावान का बदला लेना चाहनी हूँ। इस वास्ते जनाबे वाला मैं चाहनी हूँ किसी तरीके अली कतल हो जान। बेईमान आंदा है जे मैं अली नू कतल करके मैं बड़ा बड़ा मुश्किल बच सकना वा। फरमाया जे बच नहीं सकता तो कोई नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। कह लगी ओ जन्नत दियां हूरां लभ जाएंगे, तू बेहतर बीवी तेनू लभ जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह, अली नू शहीद करें तो जन्नत की उम्मीद रखे, ये केड़ी किताब विच लिखिया है। अज़ीज़ाने गिरामी मुसलमानों, इधर जनाबे वाला प्रोग्राम बना के सहर आलूदा तलवार करके कई दफा मौला अली दे सामने आए, कई ने वेखिया भी तो गल कर भी सुनिया है, किसी ने जाके अली उल मुर्तज़ा की बार गजल की, अज़ोर तुहाडा प्रोग्राम बनाया होया अब्दुर्रहमान अज ज़हर आलूदा तलवार तेज कर दिया वेखिया है, उन्हू गल कर भी वेखिया है। मौला अली नाल उन्हू इन्ना प्यार सी, और मौला अली नू भी जनाबे वाला उहदे नाल इन्ना प्यार सी, किसी वक्त भी उन्हें कोई शह मंगनी मौला अली ने उन्हू दे छड़नी, किसी वक्त सवारी मंगनी मौला अली ने उन्हू दे छड़नी, कभी भी मौला अली ने उन्हें अपने दर तो खाली नहीं मोड़िया। उन्हू जो मंगता रहा है अली देन दे रहे ने, अली ते सवालिया नू खाली नहीं मोड़ दे। ये ते फिर दुश्मन ने मंगदा सवारी मंगी, मौला अली ने सवारी दे दी है। जनाबे वाला वेला आया करीब आंदा जा रहा सी, जड़ी वो कड़ी आनी है जेड़ा सारिया ते वक्त मुकर्रर है, नाले जिन्ना भी रब ने अपने बंदियां कोल काम लेना होवे रब अपने बंदियां कोल काम ले लैंदे। ये ते वक्त सारिया ते फैजा जा जालो हमला यस्ता खिरूना सातों वाला यस्तक दिमोन, ये कड़ी ते सारिया ते मुकर्रर है। किसी ने आख्या वो ते ना लैंदा सी मैं अली नू शहीद करने, आपने फरमाया मैं किवें दुश्मन कोलों पहला बदला लै लवां, उन्हें ती अजे मैनू शहीद ही नहीं कीता, मैं किवें सजा दे लव, किवें मैं उन्होंने कोर्ट मार्शल कर लव। अजीजा इतने तो अज सुन लीए तो इतने कई सजावं शुरू हो जाएं ने। अली उल मुर्तज़ा जनाबे वाला सुनिया ये सारा पता है, इन्हें बेईमान ने मैनू शहीद करने सारा ही अली उल मुर्तज़ा पता है। अजीजा ने गिरामी मौला अली जनाबे वाला फिर वो वेला आ गया है, रमजान उल मुबारक का महीने है, जिस महीने अंदर आप शहीद होए ने ना, कदी सहरी मामे हसन को कर रहे ने, कदी सारी मामे हुसैन कोल कर रहे ने, कदी सारी अब्दुल्ला बिन जाफर कोल कर रहे ने, बारी बारी करके रात गुजार रहे ने, बारी बारी करके सारी अफतारी दा इंतजाम एहतमाम कर रहे ने। अली उल मुर्तज़ा जनाबे वाला इफ़रात तक आ गई है, जड़ी जुमे वाला दिन ते जुमे दी रात सी, आप बाहर निकले ने अखा विचों आंसू ने, इमामे हसन फरमांदे ने अबू जी खैर तो आवे अखा विचों आंसू आ गए ने। आपने फरमाया पुत्रा अज राती तुहाडे नाना अबू की जियारत हुई है, तुहाडे नाना अबू की जियारत हुई, उन्हें मैनू बुला लिया है।
ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਅੱਜ ਲਾਤੀ ਨਾਨਾ ਅੱਬੂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਸੈਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਸੈਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਂ ਸੈਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਬਾ ਜਮਾਤ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਮਾਮੇ ਹਸਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਸਨ ਨਾ ਹਟਾਏ ਨਾ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਛਾ ਕਰੇ ਨਾ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮੇ ਹਸਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇੱਧਰ ਅੱਬੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕੂਫੇ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਆਪ ਦੀ ਰੈਸ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਲੀ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਲਾਤ ਅਸਲਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਓ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਇਹ ਸਲਾਮੀ ਭਾਈ ਵੀ ਸਰਗੀ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਬੇਈਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਇਬਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਡੋਕੇ ਛੁਪ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਅਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਫਜਰ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਮੌਕਾ ਗਨੀਮਤ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਆਪ ਦੀ ਪਿਛਾਨੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆਏ ਆਪ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਆਪ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਇਬਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹਜੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਧਰ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਪਿਛਾ ਹੋ ਜਾਓ ਖੈਰ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਪਿਛਾ ਹੋਏ ਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਮਾਮੇ ਹਸਨ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ ਓਏ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਏ ਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹਸਨ ਵੀਰ ਖੈਰ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੀ ਬਾਬਾ ਟੁਰ ਚੱਲੇ ਨੀ ਅੱਬੂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਦਾਤ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਦਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਾਮੇ ਹਸਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਏ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੱਢੀ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਇਬਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਈ ਓਏ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਵਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਓ ਬੇਈਮਾਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਈ ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਨੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਏ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਸਨ ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਈ ਪੁੱਤਰਾ ਜਮਾਤ ਕਰਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਪਾ ਲਈ ਏ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਦੇ ਫਜਰ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਨੇ ਜਮਾਤ ਕਰਾਈ ਏ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਦੇ ਫਜਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏ
मौला अली शेरे खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हो जख्मी ने नमाज फजर तो बाद उठा के सहाबा इकरामा में हसन उठा के घर ले आए ने और जनाबे वाला हुसैन रो रहे ने इमाम हसन सुबह रहे ने सैयदजादियां नु पता लगया ओ ना सैयदजादियां कोल पुछो जिन्ना दा बाप तू चलिया है ओ ना बच्चियां ते की गुजरदी है दुनिया दा माहौल उस धी कोल पुछ जिदा बाप टुर जाए धी रोंदी है बाबा छड चलिया है तियां रावां विच रुल जाणगियां सानू कौन पुछेगा कौन दिलासा देवेगा इमाम हसन सुबह रहे ने और जनाबे वाला हुसैन सुबह रहे ने सईदा कलसूम सुबह रही ने सईदा जैनब सुबह रही ने रो रही ने नालिया सुबह गिर कर दिया बाबा सानू कि सारे छोड़ के जाना जे असी इत्थे कूफे आओ मदीना साडा मस्कन असी यतीमो गरीबो मस्कीन असी इत्थे आओ फरमाया अल्लाह मुहाफ़ज़ तुआडा इमाम हसन ने जलाबे वाला कुछ वसीता कीतियां नसीता कीतियां ने फरमाया पुत्रा जरा ध्यान रखना ही ज़कात दा टाइम आवे वक्त नाल देनी है पुत्रा नमाज दा वक्त हो जाए जल्दी नाल नमाज अदा ये पुत्रा नु नसीता हो रही ने फरमाया पुत्रा जरा गरीबां दा ख्याल रखना ही मस्कीना दे सिरां ते प्यार देना जे फरमाया पुत्रो जरा को ख्याल रखिया नसीता दे रहे ने पड़ोसियां दा ख्याल करिया जे फरमाया जदों रब दी बारगाह विच पेश होवो ओदी बारगाह विच डरते रियाज हसन नु नसीता कीतियां हुसैन मैनू करबला बड़ा चंगी तरह याद ही मैं करबला दे सारे मामला मेरी अखां दे सामने नी हुसैन नु दिलासा दित्ता सफर वास्ते फरमाया लो पुत्रो मैं जा रहा तुहाडे नाना अबू दी ज़ियारत होई है बुला लिया है जनाबे वाला अली अल मुर्तज़ा शहादत दा दर्जा ये 19 रमजान मुबारक नु जख्मी होए ने 21 रमजान मुबारक जुमे वाला दिन मुसलमानो अज ते भाई त्रई हो गई रमजान मुबारक दा त्रईया रोजा गुजरता पिया उदो 21 रमजान मुबारक सी आका मौला अली शेर खुदा रसी अल्लाह तआला रूह परवाह कर गई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन साबा सुबह ने इमामे हसन ते इमामे हुसैन ते अब्दुल्ला बिन जाफर जनाबे वाला दीगर सियाबा मिलके गुसल भी दिता है दीगर सियाबा पानी दे रहे ने दोवे पुत्र इमामे हसन ते हुसैन अपने बाबे नु गुसल दे रहे ने अपने अबू नु नवा रहे ने ओ इमामे हसन ने अपने बाबे दा नमाज जनाजा पढ़ाया है जनाबे वाला नजब विच मैं ज़ियारत करके आया अज भी आपदा मज़ार नजब शरीफ दी अंदर है मरकज़ अकीदत वालिया वास्ते मरकज़ दुआ बनिया हुआ है मुसलमानों मुस्तजाब दुआ अजीजा ने गिरामी बाद हज़रात कहंदे ने ए अम्मी आशा सदीका नू प्यार कोई नहीं आ जड़े ने अवे शदाई बंदे ने मैं आना जदों मदीने शरीफ अंदर खबर पहुंची है ना मौला अली शहीद हो गए ने मदीने दियां औरतां कठियां हो गई ने उन्हां कहा चलो सदीक बाप दी सदीका बेटी नू जाके खबर देने आशा नू खबर देने मोमना दी मां नू जाके दसने उन्हां नू भी पता लग जाए मौला अली शहीद हो गए ने जदों मदीने दियां औरतां अम्मी आशा सदीका कोल आईयां ने अम्मी आशा सदीका ने चुन्नी लई आई है और तैयारी करके नाले अखां विचों आंसू आ रहे ने रो रही ने नाले फरमाया मदीने दियां औरतां फरमा दी आशा कोई खबर मिली जे अली शहीद हो गए ने आ फरमा दियां ने मैनूं पहला खबर मिल गई है और चादर लैके जनाबे वाला मेरे नबी ते रोजा अतहरते गईयां ने मुहम्मद खिजरा मेरे महबूब दे मैदान ते जाके जाके अर्ज कर दिया ने आका सलाम अर्ज करनी सलाम अर्ज करना आ मैं तुहानू खबर देना आका मैं तुहाडे नाल सौण वालियां नू भी सलाम मानी मैं सदीक अकबर नू भी सलाम मानी मैं उमर नू भी सलाम मानी ये नाजमी मस्तियां नू सलाम मानी आका मैं खबर देना मैनू तुहाडे सोहणे दामाद और सोहणे जवाई दी खबर मिली शहीद हो गए ने
सोना ए अली सी शहीद हो गए ने तुहाडी वफादार लाडली धी दा शोहर अली शहीद हो गए ने आका अली सब तो पहला तुहाडे ते ईमान रखण वाले ने अली शहीद हो गए ने नाले अखां विच आंसू ने नाले किताबां पढ़ो आप दा जिस्म फड़कदा पिया अखां विच आंसू बहा रहियां ने नाले अर्ज करदियां ने आका अली शहीद हो गए ने जालमां ने अली नूं शहीद कर दित्ता है मौला अली दी कौन आंदा है आशा सदीका नूं मुहब्बत नहीं मौला अली दी मोहब्बत विच आंसू बहाए ने बहरहाल अजीजा ने गिरामी मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दाया जी मज़ार नजफ शरीफ विच बाद हज़रात कहंदे ने कि आप जी ए लाश नूं उठी लै के गुम हो गई मैं तारीख दे हवाले नाल अर्ज़ करना कि मौला अली दा नमाज़े जनाज़ा इमाम हसन ने पढ़ाया और एक गल सेन रखिया जी नजफ विच आपदा मज़ार है और कूफा ते नजफ एक हो चुके है वैसे 15-16 किलोमीटर दा जिथे आपदा घर है और जिथे जनाबे वाला आपदा मज़ार है 15-16 किलोमीटर दा फासला है वे जिथे अली दा मज़ार शरीफ है अज भी तू दुआ मंग अली दे दर ते कबूल होगी अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाजरी कबूल फरमाए मरकज अकीदत अकीदत वाले दा हक बनता है हाजरी दईए मिलना चाहिए जाना चाहिए असी आने नहीं दूजे का हक ज्यादा है और लोगों को सोचो हुसैन साढ़े ने हूँ जेड़ा हुसैन का जिक्र करो समझ दो दूसरा बंदा है जेड़ा हुसैन के दर से जाए समझ दो दूसरा बंदा है ओए हुसैन साडे ने तुहाडा ज्यादा हक बनदा है अनजान ना बनो ये वेखो इन्नी अकीदत ते मुहब्बत दे नाल बहरहाल अल्लाह ताला इन अजीम हस्तियां दे सदके साडे हाल ते रहमो करम फरमाए अल्लाह ताला अपना करम अपना फजल फरमाए वाखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।